दीजिए, हमें नहीं चाहिए, उतारो दे दे। अरे मौसी, इनकी 10 लाख की लॉटरी लगी हैंगी, ये ऊपर उठ रहे हैंगे और आप कह रही हैंगी कि नीचे उतारो। अरे निकली थी लेकिन हमारा लॉटरी का टिकट चला गया। ओ, बर्तन वाले के पास। क्या? हाँ, हमें क्या पता था, इस छोटू ने पजामे के नाड़े के अंदर ठूस के रखा है लॉटरी का टिकट। हमने तो वो पजामा बर्तन वाले को दे दिया। ये कटोरी और भगोना कहाँ है? हाँ, ये भगोना ले लिए है। मामा मतलब अब तुम्हारे पास लॉटरी का टिकट नहीं है? बिना लॉटरी के टिकट के इनाम का पैसा मिलेगा नहीं, क्योंकि जिसके पास लॉटरी का टिकट होगा इनाम उसी को मिलेगा। लॉटरी का टिकट तो बर्तन वाले के पास है, वो तो चली गई है, पर हम उसे ढूंढ के निकाल सकते हैं। मामा हमको हिस्सा मिलेगा तो बताएंगे। हिस्सा? अरे हम क्यों दे हिस्सा भाई, हिस्सा तो पिताजी दिया करते थे। ठीक है, फिर हम क्यों ढूंढे तुम्हारे लिए? देखो मामा, हम सब तुम्हारी मदद करेंगे लॉटरी ढूंढने में, लेकिन हम सबको बराबर का हिस्सा मिलना चाहिए। देखो मामा, लापतागंज गांव नहीं बल्कि एक घर है, यहाँ सुख दुख में सब साथ है, तो फिर लॉटरी में काहे नहीं। ऐ छोटू मान जाओ, नहीं तो तुम्हें तुम्हारा हिस्सा भी नहीं मिलेगा। अच्छा हाँ। तो ठीक है, लेकिन ये बताओ ये बर्तन वाली रहती कहाँ है? चलो भाई घूमते, चलो कहाँ हो तुम, कहाँ हो तुम, कहाँ हो तुम, कहाँ हो तुम। कहाँ हो तुम, कहाँ हो तुम? अरे यही है ये। ये तो पेटी कोट है। अरे अरे अरे, कहाँ घुस ले आ रहे हो तुम लोग? यही है बर्तन वाली, ढूंढो। कौन हो तुम लोग? अरे हमारा पजामा कहाँ है? पजामा? कौन सा पजामा? हमने वो पजामा तुमको दिया था बदले में कटोरी और भगोना लिया था, वो पजामा वापस चाहिए। कहाँ मौसी, वो पजामे के बदले तुमको कटोरी और भगोना दिए थे ना? कटोरी भगोना अपना वापस ले लो, चाहो तो हमारे घर के बर्तन ले लो, चाहो तो हम सबके कपड़े ले लो। नहीं मतलब हमारा पजामा वापस दे दो। हमारे पास नहीं है। अरे तो कहाँ है हमारा पजामा? हमारा एक उसूल है, हम दिन भर में जितना कमाते है ना उसमें से एक कपड़ा दान में दे देते, तो वो पजामा हमने एक गरीब भिखारी को दान में दे दिया। अरे तुमने हमें गरीब बना के उसे अमीर बना दिया, तुमने एक बार भी हमारे बारे में नहीं सोचा। तुम ऐसा कैसे कर सकती हो? अरे तुम ऐसा कैसे कर सकती हो? अरे तुम एक बार तो सोचती। अरे मामा, 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 कहाँ सपना खराब हो गया का? आपा कहाँ खो रहे हो? अरे मुकुंदी बाबू, हम अपना आपा अपने लिए नहीं खो रहे हैं, हम तो ललिता के लिए खो रहे हैं। अगर लॉटरी का टिकट हमें नहीं मिला तो ललिता की शादी उस लड़के से कैसे होगी जो बेकार और निटल्ला है। कहाँ लॉटरी का टिकट? वो कहाँ है ना, वो मौसी ने मामा का जो पैजामा तुमको दिया था ना उसमें लॉटरी का टिकट था। पूरे 10 लाख की लॉटरी थी। हाँ। जो निकल आई है। कहाँ 10 लाख की लॉटरी? अरे अरे संभालो, अब बताओ किसको दिया हो पैजामा? हमको याद नहीं आ रहा है किसको दिया पजामा। अरे याद करो। हाँ, पर हमका क्या मिलेगा? अरे हमारा पजामा है, तुम्हें क्या मिलेगा? हमको भी हिस्सा चाहिए। अब लेकिन हम तुम्हें हिस्सा क्यों दें? अगर हिस्सा नहीं दोगे तो हम पजामा नहीं बताएंगे कहाँ है। अरे मामा, जब सबको दे रहे हो तो इसको भी दे दो ना, कम से कम पजामा तो मिल जाएगा। अच्छा ठीक है, हम इसको पजामे में से नाड़ा निकाल के दे देंगे। ठीक है ठीक है, हाँ हाँ हिस्सा दे देंगे। अब बताओ कि वो भिखारी कहाँ है? ढूंढना पड़ेगा। अच्छा तो आओ हमारे साथ ढूंढो, कहाँ हो तुम, कहाँ हो तुम? चलो। हमको लगता है कि लॉटरी का टिकट यही कहीं होगा, उसको हम ढूंढते हैं। कहाँ हो तुम, कहाँ हो तुम, प्यार में तेरे यहाँ हम गुम। कहाँ हो तुम, कहाँ हो तुम, प्यार में तेरे।
मस्ताने सारी दुनिया से अनजाने कोई जाने या ना जाने घूम रहे हैं सभी ठिकाने हम तो बजा के धुन 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 नचती अरे ये कोई भिखारी है ये तो शराबी है शराबी नहीं है मुर्गा खाते ही नशे में आ जाता है भाई साहब पैजामा कहाँ है पैजामा ये पैजामा अरे ये पैजामा नहीं मामा का पैजामा कहाँ है भाई साहब सुनो सुनो तो वो जो पैजामा है हमारे छोटू का है वो पैजामे के नाड़ी के अंदर अरे दीदी दीदी से कुछ बताना नहीं पजामा वापस दे दो चलो कौन सा पजामा अरे वही पजामा जो तुमको दे रहे हैं हम हाँ। अच्छा वो हाँ? वो तो हमने बेच दिया क्या? हाँ? हाँ? अरे तुम्हारी हिम्मत कैसे उसे बेचने हाँ? अरे हमने बोला था हमारे पास पजामा है कुर्ता दो इसने हमें पजामा दे दिया क्या समझती है ये अपने आप को जो भीख हमें पसंद नहीं आती हम उसे नहीं लेते इसीलिए उसे हमें कबाड़ी को बेच दिया अरे अब कबाड़ी को कहाँ ढूंढेंगे मामा भूल जाओ लॉटरी वॉटरी लॉटरी कहाँ है लॉटरी अरे उस पायजामे में मामा की लॉटरी का टिकट है और वो लग गई है पूरे 10 लाख भिखारी भाई साहब हम आपके हाथ जोड़ते हैं हमें वो पजामा वापस दे दो या फिर ये बता दो वो पजामा आपने किसको बेचा है हाँ। हम आपको धन्यवाद देंगे धन्यवाद हम नहीं लेंगे तो क्या लेंगे एक्चुअली आई वांट शेयर हिस्सा क्या आप देंगे आप पजामा हमने कबूतर कबाड़ी को बेच दिया है आओ चलो 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 मुन्नी माद्री मौसी मामा ले लो प्राणी सूट साड़ी सलवार कमीज पजामा ले लो सस्ते में देंगे बिजी 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 पांडे अबे यार गुड्डू ये कबाड़ी दुकान कहाँ लेके आ गए तुमको भी डाले सस्ते माल ज्यादा पसंद है अरे भैया आपको पता नहीं है हम नौटंकी में हिस्सा ले रहे हैं आज पटकापुर में मुन्नी भाई के साथ पजामा डांस करना है इसलिए मंडली वालों के लिए पजामा लेने आए हैं अच्छा अबे पापा कसम छिछोर पंती का डांस भी करोगे तुम शर्म नहीं आती तुमको भैया 200 रुपया हार्ड कैश मिल रहा है समझा करो अब ठीक है गुरु आओ अबे कबूतर कबाड़ी लो पजामे निकालो किसके नाप का दें आपके आपके बाप का 5 अलग अलग साइज के निकालो एक दो तीन चार पांच ये लो 5 ही बचे हैं 50 रुपए का एक है और 250 रुपए का लगेंगे 5 देखो कबूतर कबाड़ी 200 रुपया देंगे देना है तो दो वरना उड़ जाओ चलो ठीक है दो अबे जल्दी निकालो यार देखो भैया 1 2 3 4 5 अबे एक मिनट देना अबे ये पैजामा किसका गुड्डू जानी पहचानी से बदबू आ रही है इसमें से क्या बात कर रहे हो भैया हाँ ऐसा लग रहा है मामा यहीं कहीं आसपास हो क्या आपको हो क्या गया है भाभी की जुदाई ने लगता है आपको पागल कर दिया अबे यार तुमको जो कुछ करना है जल्दी करो सुरीली आने वाली समझा करो यार अच्छा भैया हम चलते हैं हमको नौटंकी की प्रैक्टिस करनी है ऑल द बेस्ट भाई साहब आप भी कोई सुरीली के लिए ले जाइए ना अच्छा तुमको हम बता रहे हैं पापा कसम सीधा खड़े रहो कबूतर है कबाड़ी यही है यही है अरे मामा यहाँ वहाँ ढूंढ रहे वहाँ ढूंढो वहाँ वहाँ कपड़ों में वहाँ होगा क्या कर रहे हो आप लोग कपड़े खरीदने आए हो उड़ाने अरे कबूतर कबाड़ी हमारे मामा का एक पैजामा था जो तुम्हारी दुकान पे आ गया है तुम्हारी दुकान पर पैजामा आ गया पजामे को कोई पैर लगे थे जो चल के आएगा अरे चल के तो पिताजी आते थे हमारा पजामा उड़ के आया है उड़ के अरे उड़ के मतलब इस भिखारी ने जो तुमको बेचा है
हम नहीं जानते किसी भिखारी को, या कितने भिखारी आते हैं खरीदने और बेचने। बोलो आपको क्या चाहिए? अरे हमें हमारा पजामा चाहिए जो इसने बेचा था। हाँ। देखो हमारी दुकान पे कोई पजामा नहीं बचा, जो बचे थे वो दो लड़के आकर ले गए। क्या? किसे बेच दिया तुमने हमारी दुकान पे? अरे छोड़ोगे नहीं, बोलो बोलो, एक दिन तो तुम्हें छोड़ोगे नहीं। मौसी बोलो, एक दिन जिसके लिए आप फूलन देवी बन गई। अरे वो कुछ नहीं कुछ नहीं कुछ नहीं, तो फिर इतना कुछ काहे को? इधर उधर की बातें मत करो छोटू, इसको बता दो पजामे में। अरे दीदी इसको कुछ मत बताना। नहीं बता रहा है, पजामे में लॉटरी का टिकट था 10 लाख की और वो लग गई है। क्या? अरे कबूतर तो बेहोश हो गया। अरे जूता सुखा इसको। अरे इसकी चोंच में पानी डालो। पहले क्यों नहीं बताया उसमें 10 लाख का टिकट था? हम बेचते कहाँ हैं? इसने हमें अगर बताया होता तो तुम्हें क्यों बेचते? अरे मौसी ने हमें बताया होता तो हम तुम्हें कहाँ देते? छोटू ने बताया होता तो हम कहाँ बेचते पजामा तुमको? मतलब सारी गलती मामा की है? हमारी लॉटरी का टिकट खो गया है और हम ही को मारो। अरे उसी लॉटरी टिकट में हम लोग का भी हिस्सा है। हिस्सा? हाँ तुमको भी तुम्हारा हिस्सा दे देंगे, पर ये बताओ कि वो पैजामा किसको बेचा? देखिए हमें नाम तो पता नहीं, दो लड़के टाइप के आदमी थे जो सारे पजामे खरीद के ले गए। कहाँ गए? कहाँ गए? वो किसी सुरीली के यहाँ जाने की बात कर रहे थे। सुरीली? वो बिजी था? नहीं वो बिल्कुल फ्री लग रहा था हमको तो। अरे क्या वो पापा कसम कह रहा था? हाँ पापा कसम तो कर रहा था वो। अरे दीदी वो बिजी पांडे था, अब हमें हमारा लॉटरी का टिकट नहीं मिलेगा। नहीं वो बिजी पांडे तुम्हें टिकट नहीं देगा। अरे मुकुंदी बाबू हमारी मदद करो, हमारे लिए ना सही ललिता के लिए ही कीजिए। उसकी चिंता का है बे? अरे उसकी शादी की। तो उसकी शादी करवा दो। अरे कैसे करा दें, लड़का कुछ कमाता ही नहीं है। कोई दूसरा लड़का ढूंढ लो। अरे दूसरा कैसे ढूंढ लें भाई, जिस लड़के से शादी होने वाली है उसका अच्छा व्यवहार है, अच्छा परिवार है। आजा मोरे वालमा तेरा इंतजार है। अरे वो लड़का रंग रंगीला चहल चमीला गांठ गठीला है, बात कर रहे हैं दूसरी करवा दो। अरे कौन है वो लड़का? ये तुम्हारे सामने है। जरा साइड में तो हटो, ये है वो लड़का। लड़का तो अच्छा है। अरे ये नहीं है वो लड़का, अरे वो लड़का हम है। अरे देखो हमारी मदद करो भाई, बिजी पांडे से हमारा लॉटरी का टिकट वापस दिलवा दो। कुछ करो। ठीक है जैसा हम कहते हैं वैसा करो। हाँ। बिजी पांडे के पाँव भी पकड़ने पड़े तो पकड़ो। अच्छा हाँ। अरे बिजी पांडे जी ऐसे ठीक? हाँ, है हाँ, बिल्कुल ऐसे। तो चलो फिर चलो। लड्डू है बिजी? है बिजी? बोलिए कान से सुनते हैं। आहा, कब से खा रहे हैं? हाँ बता भी दो कहाँ है पजामा? पजामा क्यों बताएं, हमको क्या मिलेगा? अरे देखो सुरीली अभी आई तो नहीं है, लेकिन जब वो आएगी तो हम तुम्हारी शादी सुरीली से करवा देंगे। ऐसा है मामा, पिछली बार भी तुमने यही झांसा दिया था और सारे घर में पुताई करवाई थी ये कह के कि सुरीली से शादी कराएंगे, इस बार हम ये झांसे में नहीं फंसने वाले समझे? मामा भूल जाओ लॉटरी वॉटरी। अरे ऐसे कैसे भूल जाए भाई, एक बार इंसान बनने का मौका तो दो, वैसे इंसान तो पिताजी थे, लेकिन हम बिजी पांडे तुम्हें बन के दिखाएंगे। हम तुम्हारी शादी सुरीली से फिक्स करवा देते। बताओ कब तक फिक्स करवाते? बताओ शर्मा मत, बताओ। गुरु एक बार लखपति बन गए ना तो सारा लापतागंज जाएगा दौड़ा हमारी शादी सुरीली के साथ कराने के लिए समझे। अच्छा सुनो 50% हमको चाहिए, यानी कि 5 लाख, बोलो मंजूर है? अरे पगला गए हो क्या, पूरा गांव अपना हिस्सा मांग रहा है। हाँ 50% तुम्हें दे देंगे तो हमको क्या मिलेगा, और उस पजामे पर हमारा भी हक है। ऐसा है गुरु, तुम्हारा हक तुम पर खुद नहीं है, बातें कर रहे हो चुपचाप बैठे रहो समझे। गुरु बोलो मंजूर है तो बताएं, नहीं तो जाएं।
अरे मामा मान जाओ ना, नहीं तो जो मिल रहा उससे भी जाओगे। ललिता के बारे में सोचो। अरे ललिता के बारे में तो पिताजी सोचते थे। हमारे बिजी बांडे ठीक है, हमें मंजूर है, तो चलो फिर। पटकापुर में मुन्नी बाई की नौटंकी है, सारे पैजामे वही हैं और उन्हीं किसी एक पैजामे में लॉटरी का टिकट होगा। अच्छा ये मुन्नी बाई कौन सी, गुमशुदागंज वाली? वही मुन्ने। ओ मामा, मुन्नी के बारे में नहीं, लॉटरी के बारे में सोचो। अरे हाँ, लॉटरी की लॉटरी मिलेगी और नौटंकी की नौटंकी देखेंगे। तो चलो फिर, चलो 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 चलो। तुमको नाचने की पड़ी थी क्या? अरे क्या कर रहे हैं आप लोग, स्टॉप कीजिए, हम तो नाचने देंगे या नहीं? हाँ, तुम्हें नाचने की पड़ी है, हम पजामे के चक्कर में दिन भर नाच रहे हैं। पजामा? हाँ, छोटू का पजामा, देखो हमने इसको दे दिया था और इसने इसको दे दिया, इसने कबूतर को दे दिया। वो हाँ, वो गुड्डू लेके आया था, हम ढूंढ रहे हैं, पता है उस पजामे में। दीदी इनको कुछ मत बताना। हम नहीं बता रहे हैं, उसमें लॉटरी का टिकट है, पूरे 10 लाख का, और वो लग गई है। अरे दीदी इसमें लॉटरी का टिकट नहीं है। मामा मामा लॉटरी टिकट मिल गया हैंगे। पापा कसम सारे पैजामे चेक कर डाले लेकिन टिकट किसी में नहीं मिला। अरे हमने 5 पैजामे खरीदे थे पर एक में भी नहीं निकला। लेकिन इधर तो 1, 2, 3, 4 पैजामे है, 5वां कहाँ है? अरे 5वां हमने पहन रखा है ना। अरे तो इसमें भी तो ढूंढो। अरे तू कहाँ भाग रहा है? अरे दीदी मिला। अरे दीदी दीदी इस 5 में पजामे में भी हमारा लॉटरी का टिकट नहीं मिला। अब हमारी शादी ललिता से नहीं हो पाएगी। हे भगवान, कुछ ऐसा चमत्कार करो कि ललिता हमें मिल जाए। हमें हमारा लॉटरी का टिकट मिल गया। मिल गया। भगवान ने तुमको सुन लिया। चलो भोलेनाथ के सामने माथा टेको। दीदी हाथों में नोटों की गर्मी महसूस हो रही है। अब गर्मी से हाथ जल भी रहा है। अच्छा। अबे मामा तुम्हारा हाथ नहीं जल रहा है, लॉटरी टिकट जल रहा है। अरे दीदी हमारा लॉटरी का टिकट जल गया, अब ललिता का क्या होगा? लॉटरी तो लॉटरी है, इसका क्या भरोसा, किसी की किस्मत में हो तो मिल भी जाती है। पर बुद्धिमानी इसी में है कि हम लॉटरी के पीछे न भागकर कर्म के पीछे भागें, जहां फल मिलना निश्चित है और इसे कोई छीन भी नहीं सकता।